चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने स्टार्ट किया था राजस्थान की क्लाइमेट के बारे में, और क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले देखा था कि जलवायु किसे कहते हैं, और जलवायु के निर्धारक डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में डिस्कस हो गया। ये वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं राजस्थान की जलवायु को, जिसके अंतर्गत हमने कहा कि इसका जो लैटिट्यूडनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार का है कि ये जो पूरा पूरा जो चित्र है वह उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। समुद्र से काफी अधिक दूरी है, भूमध्य रेखा से दूरी है, इसलिए जो बारिश है या समुद्र का जो प्रभाव है वो राजस्थान की जलवायु पर नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा जो अल्टीट्यूड है वह भी इतना अधिक नहीं है कि बहुत ज्यादा ठंड रहे, लेकिन जो माउंट आबू है वहां पर अल्टीट्यूड अधिक होने के कारण काफी टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलता है। कुछ फिजिकल फीचर्स जो है, जैसे कि अरावली है, तो अरावली और जो थार का मरुस्थल होने के कारण यहाँ पर, अरावली होने के कारण यहाँ पर जो रेनफॉल है वह बहुत कम रिसीव होता है, क्योंकि जो अरावली है उन विंड्स के पैरेलल है जो विंड्स राजस्थान के अंतर्गत बारिश ला सकती थी। इसके अलावा जो डेजर्ट कंडीशन है वो भी अफेक्ट करती है। ये सब पढ़ने के बाद हमने जलवायु के कुछ विभाग पढ़े थे कि राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन से जलवायु विभाग है। तो शुष्क जलवायु मरुस्थल के अंतर्गत पाई जाती है राजस्थान, बांगड़ के अंतर्गत अर्ध शुष्क जलवायु, उपआर्द्र जो है वह अरावली रीजन के अंतर्गत तथा हाड़ौती के रीजन के अंतर्गत, ये दो प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट ऋतुओं के संदर्भ में देखा तो भूगोल में गर्मी, वर्षा, शरद और शीत ये ऋतु है, और ये जो 6 ऋतुएं हैं ये संस्कृत के अनुसार है, हमारे हिंदी जो महा है उसके अनुसार इस प्रकार की 6 ऋतुएं राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलती है। गर्मी, और गर्मी के बारे में हम पढ़ चुके थे। मैन जो है वो आपको याद करना है, व्हाट इज बबूलिया, बबूलिया इन्स मीन्स क्या होता है, कन्वेक्शन करंट्स के कारण इस प्रकार के जो चक्रवात बनते हैं छोटे छोटे से, उसे हम बबूलिया या फिर हम इसे वतुलिया भी कहते हैं। लोकल नेम्स अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से हैं। कुछ फैक्ट्स जो है राजस्थान में गर्मी की ऋतुओं से संबंधित ये हम पढ़ चुके हैं। बारिश भी हमारा कंप्लीट हो चुका है कि किस प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत बारिश आती है, बारिश से रिलेटेड कौन कौन से मैप है उन मैप को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मैप था जो हमें बताता है कि राजस्थान के अंतर्गत जो मानसून है, साउथ वेस्ट जो मानसून है वो किस प्रकार से पहुंचता है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ेंगे आज शरद ऋतु। शरद ऋतु क्या होती है? तो मानसून लौटने का काल, सबसे पहले हम मानसून लौटने का काल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। लास्ट जो है राजस्थान के अंतर्गत मानसून लौटने का काल का अर्थ ये हो गया कि लगभग नवंबर माह के अंतर्गत देखने को मिलता है, धीमी धीमी हवाएं चलती हैं। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर पर, और हाई प्रेशर जहां रहेगा या लो प्रेशर कहाँ रहेगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जो है वो मूव करती है, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती है। तो राजस्थान के अंतर्गत जैसे कि हमने एक मैप देखा था, ये देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा 15 जुलाई है, 15 जुलाई, 15 जुलाई के बाद राजस्थान के अंतर्गत की बात करता है, तो मानसून लौटता है। लौटने का काल ये होता है कि बारिश जो यहाँ पर पहुंची, जैसे कि अब कह रहे हैं कि यहाँ पर लो प्रेशर बनाओ, अब यहाँ पर लो प्रेशर है और यहाँ पर हाई प्रेशर है, इसी कारण जो मानसून की जो हवाएं हैं वो इस प्रकार से लो प्रेशर की तरफ चल रही है। लेकिन जब ये सिस्टम चेंज हो जाता है, चेंज होने का अर्थ होता है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो फिनोमिना है, ये चेंज हो जाता है कि हाई प्रेशर यहाँ बन जाता है और लो प्रेशर कहीं दूसरी जगह पर बन जाता है, तो ये हवाएं वापस मूव करती है, जिस डायरेक्शन आई थी उस डायरेक्शन में, या जहां कहीं पर भी लो प्रेशर क्रिएट होगा वहां लो प्रेशर हो जाए। अब ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर डायरेक्ट किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है टेम्परेचर। अगर लो प्रेशर है तो टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर हाई देखने को मिलेगा, यहाँ पर हाई टेम्परेचर है तो टेम्परेचर कंपेयरली यहाँ पर आपको लो टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। तो लो टेम्परेचर है तो हाई प्रेशर है। तो जब ये सिचुएशन जब चेंज हो जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ पर राजस्थान में गर्मी का जो मौसम रहता है, अमूमन जून जुलाई मई जून का महीना काफी गर्म रहता है, उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ी सी ठंड
या सामान्य मौसम होने लगता है। तो ऐसे स्थिति में नवंबर के माह में मानसून जब वापस लौटता है, रिट्रीट ऑफ मानसून, उसे हम मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहते हैं। तो उस समय अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय रहता है वह इस समय का टाइम होता है। न तो ज्यादा गर्मी रहती है न ज्यादा सर्दी रहती है, हल्की फुल्की कहीं कहीं पर दीपावली के आसपास हम राजस्थान के अंदर वर्षा देख सकते हैं। नेक्स्ट है सर्दी की ऋतु। तो सर्दी की ऋतु की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत तो सर्दी का जो सबसे ठंडा महीना है वो जनवरी है। सबसे ठंडा जिले की बात करते हैं तो चुरू है। सबसे ठंडा स्थान की बात करते हैं तो माउंट आबू, ठीक है, यहाँ पर ठंडा। फिर गर्म माह की बात करते हैं तो हमने जो पढ़ा था कि जो गर्म माह गर्मी का जो महीना है तो फलोदी जो है वह काफी शुष्क रहता है। सबसे गर्म जिले की बात करते हैं तो गर्म जिले के अंतर्गत ठंडा और चुरू के अंतर्गत आपके चुरू और जैसलमेर के अंतर्गत ये वेरिएशन देखने को मिलता है गर्म और ठंडे के अंतर्गत। सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है। सबसे ज्यादा बारिश स्थान की बात करते हैं, ठंडा स्थान भी माउंट आबू है और सबसे ज्यादा बारिश वाला जो स्थान है वह भी माउंट आबू है। लेकिन सबसे ज्यादा बारिश होने वाला जो जिला है, जिले की बात करते हैं, कहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है तो वह हमने पढ़ा था कि जो झालावाड़ है उस झालावाड़ के अंतर्गत सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो इस प्रकार से जो सर्दी से रिलेटेड राजस्थान में कौन कौन से फैक्ट है। इसके अलावा दूसरा शब्द जो स्थान है डबोक, डबोक जहां पर आपका एयरपोर्ट है उदयपुर का, उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की तरफ जाते हैं तो लगभग 15-16 किलोमीटर की तरफ चित्तौड़ की तरफ डबोक आया हुआ, वो काफी ठंडा है, माउंट आबू के बाद दूसरा ठंडा स्थान। फिर उसके बाद सर्दियों के समय में यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से या भूमध्य सागरी मानसून से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होने वाली जो वर्षा होती है उसे मावठ कहते हैं। तो मावठ जो है उसका अर्थ होता है सर्दी के अंदर जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। उस समय यहाँ पर रबी की फसल होती है। रबी की फसल के राजस्थान के अंतर्गत हम बात करें तो गेहूं होती है, तो गेहूं के लिए काफी फेवरेबल ये रेनफॉल रहती है तो उस समय ये बारिश होती है। मौसम विभाग की वेधशाला यानी IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वह उसकी एक ब्रांच है, वह जयपुर के अंतर्गत देखने को मिलती है। अक्सर मैं स्टेटस पर इस प्रकार के IMD जयपुर के कुछ लगाता हूँ कि बारिश होगी या नहीं होगी। राजस्थान में संभावित वाष्पन यानी ईवेपोरेशन और ईवेपो ट्रांसपोर्शन की जो वार्षिक दर है वह सर्वाधिक जैसलमेर के अंतर्गत। देखिए वाष्पोत्सर्जन की बात करें, उत्सर्जन की बात करें या वाष्पीकरण, ये दोनों वर्ड अलग अलग है। जैसे कि मैं बात करता हूँ वाष्पीकरण, वाष्पीकरण और एक है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। वाष्पीकरण जो होता है जिसे हम ई वेपोरेशन कहते हैं और इसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन, ठीक है। अब ये वाष्पोत्सर्जन जो है वो किसके माध्यम से किया जाता है, ये पेड़ों के मतलब या पेड़ों की जो पत्तियां हैं जो लीफ है वह इस प्रकार का वर्क करता है, यानी एक्सिस में जो वाटर होता है उसको वो रिलीज करती है तो वो कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पीकरण जो होता है डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, ये वाटर है, वाटर पर हीट आएगी, हीट से कन्वेक्शन करंट होगी, भाप बनेगी तो उसे हम ई वेपोरेशन कहते हैं। तो इसकी एनुअल जो रेट है सबसे ज्यादा जैसलमेर के अंतर्गत देखने को मिलती है। बारिश की मात्रा दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि झालावाड़ से जैसलमेर की तरफ रेनफॉल जो है वो कम होता हुआ देखने को मिलता है। मानसून प्रत्यावर्तन का यानी रिट्रीट ऑफ मानसून का जो ड्यूरेशन है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है। इस टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत आपका जो मानसून है वो वापिस राजस्थान से पूरा पूरा निकल जाता है तो उसे रिट्रीट ऑफ मानसून के नाम से जाना जाता है। हवाओं की बात करते हैं कि कौन कौन सी विंड्स चलती हैं। सबसे पहले इस मैप को देखिएगा कि एयर प्रेशर जो है वो किस प्रकार का, देखिएगा एयर प्रेशर है ये मिलीबार के अंतर्गत है 1018 to 19 और ये अलग, यानी ये है हाई प्रेशर, ठीक है, और ये इसके कंपेयरली लो है। तो लो प्रेशर यहाँ पर कब बना हुआ है, देखिएगा महीना कौन सा है, जनवरी। अब जनवरी के अंतर्गत लो प्रेशर बना हुआ है कहाँ पर, तो यहाँ पर है लो प्रेशर
और इसके कंपेयरली मैं ये जो लाइन वाला जो क्षेत्र है वहां पर यहां लिख देता हूँ हाई प्रेशर। ठीक है, ये हाई प्रेशर है, यहां पर भी आपके इसके कंपेयरली हाई प्रेशर था, तो इस प्रकार से देखा जा सकता है। तो विंड्स की जो डायरेक्शन होती है, जैसे कि ये विंड की डायरेक्शन यहां पर इस प्रकार से दिखाई गई, ठीक है, तो ये इस लो प्रेशर से कलेक्टनी है, यानी इसके कंपेयरली हम कह सकते हैं कि हाई प्रेशर कहीं इसकी दूसरी विपरीत जगह पर। तो इस प्रकार से जो विंड्स की जो डायरेक्शन होती है वो इस प्रकार से चलती है कि जनवरी में जो अधिकांश जो हवाएं चलती है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर हवाएं चलती है, इस प्रकार से चलती है। कुछ हवाएं जो है इस हाई प्रेशर से, ये हाई प्रेशर है यहाँ पर, इस हाई प्रेशर से इसके कंपेयरली यहाँ पर थोड़ा सा कम ज्यादा होने के कारण इस प्रकार की हवाएं चलती है। तो कौन कौन सी हवाएं चलती हैं? तो राजस्थान के जून के महीने में जो हवाएं चलती हैं, जिसे हम आंधिया कहते हैं, तो हवाएं काफी तेज चलती हैं, और नवंबर के महीने में सबसे हल्की चलती है। हल्की कब चलती है? अब देखिए, हल्की चलती है और तेज चलती है उसको डिपेंड हम इस प्रकार से कर सकते हैं। एक हमने पढ़ा होगा प्रेशर ग्रेडियंट, या इसे हम कहते हैं दाब प्रवणता। अब दाब प्रवणता का अर्थ होता है कि ढाल कितना है, ठीक है। अब ढाल का हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जैसे कि अब मैंने कहा कि ये एक तो ढाल ये है और एक ढाल ये है, यानी यहाँ पर हाई है और यहाँ पर लो है, तो हाई और लो यहाँ पर काफी तेज गति से हवा चलेगी, ठीक है, और यहाँ पर हाई है और यहाँ पर लो है, तो यहाँ पर इसके कंपेयरली जो हवा चलेगी वो थोड़ी सी लो चलेगी, क्योंकि ढाल जो है यहाँ पर क्या है, कम ढाल है, और यहाँ पर जो ढाल है वो काफी तेज है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से तेज हवाएं चलेगी। तो प्रेशर ग्रेडियंट का अर्थ होता है कि जब प्रेशर लाइंस जो होती हैं, वह प्रेशर लाइंस अगर पास पास है, पास पास का अर्थ होता है कि यहाँ पर मैं प्रेशर लिख देता हूँ कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 1000, यहाँ पर वापस पहुंचते हैं, मिलीबार में हम काउंट करते हैं, और मिलीबार के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो अगर प्रेशर ज्यादा है, यानी बहुत तेज गति से यहाँ पर चेंज होता है, तो तेज गति से चेंज होगा तो ऐसी स्थिति में हवाएं तेज चलेगी। तेज का अर्थ होता है, जैसे कि मैंने कहा था कि ये हवा लाइनें खींची मैंने, ठीक है। अब लाइनें खींचने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये बहुत पास पास में, ठीक है, बहुत पास पास कर लेता हूँ, और तेजी से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर 1000 है और यहाँ पर 800 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 750 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉरी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 950, यहाँ पर मैं 980 लिख देता हूँ, तो यहाँ से तेजी काफी तेज गति, तो यहाँ पर जो हवाएं चलेगी वो काफी तेज चलेगी। लेकिन दूसरी स्थिति यह है, यहाँ पर तीन लाइनें खींची थी, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 1000 मिलीबार, मिलीबार के अंतर्गत तो आप प्रेशर देखिएगा मिलीबार के अंतर्गत, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 900 MB, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 800 MB, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर गैप जो है ज्यादा, तो यहाँ पर जो हवाएं चलेगी वो चलेगी धीमी चलेगी, तो वो सारा जो डिपेंड करता है कि हवाएं तेज चलेगी या धीमी चलेगी, ये डिपेंड करता है कि वहां पर प्रेशर ग्रेडियंट कितना है। तो वायु की अधिकतम सीमा वाला 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, गर्मी में तेज हवाएं चलती हैं, आंधियां पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत चलती रहती हैं। आंधियों की बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक जो आंधियां हैं मई जून के अंतर्गत चलती हैं। सर्वाधिक आंधियों वाले जिलों की बात करते हैं तो गंगानगर के अंतर्गत 27 दिन तक आंधियां चलती है। वैसा ही एक दिन वाला फैक्टर हमने देखा था, 40 दिन तक वहां पर बारिश होती है, वो होता है, उसका नाम है झालावाड़। झालावाड़ के अंतर्गत 40 दिन तक लगातार बारिश होती है, तो ये रीजन है। और इसी प्रकार से आंधियां सबसे ज्यादा अधिक कहाँ चलते हैं? तो गंगानगर के अंतर्गत चलते हैं। दूसरा हनुमानगढ़ है, आंधियां चलती हैं, कम से कम आंधियां कहाँ चलती हैं? झालावाड़ के केवल 3 दिन यहाँ पर आंधियां चलती है। उसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर आपको वेजिटेशन जो है वो काफी अधिक देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पर आपको वन अधिक मिलेंगे, ऐसी स्थिति में यहाँ पर आंधियां भी कम चलती है। दूसरा न्यूनतम आंधी वाला है कोटा, जहां पर केवल 5 दिन आंधियां चलती है। राज्य के पश्चिमी शुष्क क्षेत्रों की अपेक्षा पूर्वी भागों, पूर्वी भाग का अर्थ होता है ये जयपुर का क्षेत्र है, तो वहां पर तेज तेज यानी बहुत स्पीड से वहां पर हवाएं चलती हैं, तो
वो जयपुर का क्षेत्र है। इसके अलावा मावठ क्या होता है, तो मावठ का अर्थ हम जिसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। गोल्डन ड्रॉप्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रबी की फसल के लिए काफी लाभदायक। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है उसके कारण जो नॉर्थ एंड वेस्ट जो राजस्थान है उसके अंतर्गत जो बारिश होती है उसे हम मावठ के नाम से जान देते हैं। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आपको तापांतर यानी टेम्परेचर वेरिएशन काफी अधिक देखने को मिलेगा। यहाँ पर छोटे छोटे से वायु भंवर का अर्थ होता है बबूलिया, जो चक्रवात होते हैं उत्पन्न रहते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पुरवैया, पुरवैया नाम से चलती हैं यानी ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज जो ईस्ट से चलती हैं। तो बंगाल की खाड़ी, अब बंगाल की खाड़ी यानी राजस्थान का मैप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी किस तरफ है, वहां के ईस्ट की तरफ से, तो ईस्ट से जो हवाएं चलती हैं तो उसे पुरवैया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान की जो जलवायु से संबंधित और कौन से फैक्ट हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा जो होती है वो जुलाई और अगस्त के महीने में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, जहाँ पर 100 सेंटीमीटर प्लस आपको रेनफॉल देखने को मिलता है। सबसे कम बारिश जैसलमेर के अंतर्गत होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो माउंट आबू है। सबसे कम बारिश समगांव समराथल, इसे आप जानते होंगे, इसे समराथल कहा जाता है। सबसे कम बारिश होती है, दोहरे दिखाई देता है। तो समराथ जो थल है, सम रा थल, थल का अर्थ होता है सम, ये क्या है, ये गांव का नाम है, रा इट मींस के, ठीक है, थल का मतलब होता है स्तूप, स्तूप या इसे कहा जाता है ड्यून्स, ठीक है। तो सम गांव के जो स्तूप है वह हम देखने के लिए जाते हैं, काफी ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट के नाम से इसे पहचान मिली हुई है। सबसे कम वहां पर रेनफॉल होती है, तो वेजिटेशन वहां पर नहीं मिलेगी। 50 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल लाइन है वो राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करती है। कहाँ चलती है, तो अरावली के पैरेलल चलती है और राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करती है, ठीक है, आप शायद याद होगा 50 सेंटीमीटर की लाइन, फिर है 25 सेंटीमीटर की, और ये है आपके 10 सेंटीमीटर। ये जो बीच का रीजन है ये कहलाता है हमारा थार का मरुस्थल। यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है वह कहलाता है राजस्थान का बांगड़ क्षेत्र, यानी ये पूरा का पूरा ड्राई रीजन है और ये सेमी ड्राई जो रीजन है, सेमी ड्राई जो रीजन है वह कहलाता है बांगड़। फिर आ जाता है अरावली, अरावली, अरावली के बाद यहाँ पर ईस्टर्न अरावली और ये हाड़ोती, हाड़ोती का जो पठार है जहाँ पर आपके झालावाड़ है, तो वहां पर आपको 100 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिलती है। तो इसके कंपेयरली यहाँ पर हम 80 सेंटीमीटर की लाइन भी खींच सकते हैं। बारिश की बात करें तो उत्तर पश्चिम में कम होती है तथा दक्षिण पूर्व में अधिक होती है। उत्तर पश्चिम की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम का एरिया का अर्थ होता है कि राजस्थान का वह भाग जो आपके उत्तर और पश्चिम के अंतर्गत यहाँ आया हुआ है। तो यहाँ पर बारिश कम होती है लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो जैसे जैसे हम इधर से झालावाड़ से जैसलमेर की तरफ जाते हैं तो बारिश की मात्रा आपको कम देखने को मिलती है, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलने पर वर्षा का औसत बढ़ता हुआ नजर देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा उल्टा लिख रखा है, उल्टा का मतलब हो गया, हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट से हम जब साउथ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हम जाएंगे तो रेनफॉल जो होगा वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसी चीज को अगर मैं कहूँ कि हम अगर साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो रेनफॉल है वह रेनफॉल आपको कम होता हुआ नजर आएगा। यानी यहाँ से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यह है हमारा झालावाड़ जो दक्षिण पूर्व के अंतर्गत है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये जो रीजन है यहाँ पर है हमारा जैसलमेर। तो झालावाड़ से जैसलमेर की तरफ रेनफॉल घटेगा या जैसलमेर से झालावाड़ की तरफ कहेंगे तो रेनफॉल बढ़ेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सर्वाधिक ह्यूमिडिटी जो रहती है वह राजस्थान के अंतर्गत अगस्त में रहती है। अगस्त में क्यों रहता है कि देखिएगा जून और जुलाई के अंतर्गत काफी बारिश हो गई यहाँ पर, जून जुलाई के अंतर्गत तो बारिश होती है, फिर ह्यूमिडिटी यहाँ पर अगस्त के अंतर्गत तो काफी इंक्रीज होती है गर्मी बढ़ने का, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई और गर्मी के कारण जो भी रेनफॉल था, जो बारिश थी उससे भाप बनी, और भाप बनने के कारण जो भाप बनती है वह सबसे ज्यादा आर्द्रता को बनाता है। तो आर्द्रता सबसे ज्यादा आपको अगस्त के महीने में देखने को मिलेगी। सबसे कम आर्द्रता, आर्द्रता किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली आपके सन की जो हीट है उससे रिलेटेड है। तो ऐसी स्थिति में जब सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगा या फिर ड्राइनेस
एयर के अंतर्गत काफी कम होगी तो उस समय आपको आर्द्रता कम देखने को मिलती है। तो अप्रैल के महीने के अंतर्गत इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। सर्वाधिक ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो झालावाड़ के अंतर्गत है, सबसे कम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो बीकानेर के अंतर्गत है, सर्वाधिक आर्द्रता ह्यूमिडिटी वाला अगर इस जगह की बात करें तो माउंट आबू रहेगा, सबसे कम आर्द्रता फलोदी के अंतर्गत रहती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ तक क्लियर होता है। और अभी तक हमने पढ़ा है कि राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन सी जो ऋतुएं हैं उन ऋतुओं को हमने यहाँ पर डिस्कस किया।